नाजरीन आदाब, बदलता मंजर के शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए रियासत जम्मू और कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबे जात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायज़ा पेश किया जाए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं शुमारे के अहम मौजूदात पर। एक मुलाकात शुपयां की एम्ब्रॉयडरी लेडी के साथ। राजौरी में इंतजामिया की जानिब से मुफ्त राशन की तकसीम शुरू। नौगाम अनंतनाग में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की तामीर जारी। श्रीनगर में पंचायती सतह पर कोविड मराकज कायम। जम्मू कश्मीर में खानाबदोशों की मौसमी मुंतकली का सिलसिला शुरू। इरादे अगर मुसम्मम हो तो मुश्किल हालात में भी कामयाबी की राह तलाश की जा सकती है। सरकारी स्कीमों से फायदा उठाकर मुस्तकबिल को ताबनाक और महफूज बनाया जा सकता है। वादी कश्मीर के जनूबी जिला शुपयां से ताल्लुक रखने वाली डेजी जान ने न सिर्फ एम्ब्रॉयडरी लेडी का खिताब हासिल किया बल्कि दूसरों के लिए भी मशले राह बन गई। कैसे, देखिए इस खास रिपोर्ट में। पुरजोश और मेहनती कारोबारी अफराद को माली इयानत फराहम करने की हुकूमत की स्कीम ने जनूबी कश्मीर के पहाड़ी जिला शुपयां के भोरी पलान गांव की एक मकामी खातून डेजी जान की जिंदगी को तब्दील कर दिया है और उसे एम्ब्रॉयडरी लेडी का खिताब मिला है। इस खातून ने सरकारी स्कीम से फायदा उठाकर कारोबार में एक नई राह दिखाई। डेजी जान जो पिछले 6 सालों से कढ़ाई का काम कर रही हैं, के पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपना एक कढ़ाई यूनिट खोल सके, लेकिन महकमा हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम के मदद से डेजी जान की माली मदद मिली और उन्हें कामयाबी भी हासिल हुई। हमने सोचा कि अगर इसका रोजगार ज्यादा से ज्यादा इसमें अगर इसको ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले और ज्यादा से ज्यादा ये मटेरियल आए और लोगों को प्रोवाइड करे, लोगों को ये इसका भी फायदा हो और लोगों का भी फायदा हो, तो हमने इसका वहाँ पे लोन जो है स्पॉन्सरशिप वहाँ पे बैंक को दे दी है इसका इसके नाम से। तो बैंक ने इसको वहाँ पे जल्द से जल्द वहाँ पे फाइनेंस किया है। उस बैंक ने इसको 1,80,000 वहाँ पे उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस दे दी है, जिसने बाद में उसने वहाँ पे कुछ सामान लाया उससे, मतलब कपड़े लाए और तिल्ला ये जो लगाती है और एम्ब्रॉयडरी का काम करती है, तो वहाँ पे उसको बहुत सारा फायदा मिला क्योंकि उसने अपने हाथों से काम करना शुरू किया। डीजी जान ने हुकूमती स्कीम से फायदा उठाकर बाज़ाबिता तौर पर एक कढ़ाई यूनिट खोल रखा है। हुकूमत की जानिब से मिलने वाले फंड से डेजी जान ने खाम माल की खरीदारी की और आखिर में अपनी रिहायशगाह पर कढ़ाई का यूनिट कायम किया। हुकूमत की काविशों की तारीफ करते हुए डेजी जान ने कहा, मैं अपनी रोजी कमाना चाहती थी, लिहाजा मैं मदद के लिए महकमा हैंडीक्राफ्ट्स के पास गई। जी मुझे तो हैंडीक्राफ्ट से फायदा मिल गया, ऐसे नहीं, ऐसे तो नहीं है। मेरे पास पैसे भी नहीं था, कुछ लाऊंगी, तिल्ला लाऊंगी, कुछ तो इसमें मटेरियल जरूरत पड़ता है, कपड़े पड़ता है जरूरत, वो भी लाना पड़ता है हमें बाजार से, जो भी हमें जरूरत पड़ता है, हमारा पैसा होता है अलग, हम तो उसको खरीद कर लाता हूँ। महकमे ने डेजी जान को 1,80,000 रुपए की माली मदद की। इस रकम से डेजी जान ने अपने कारोबारी यूनिट को कायम किया और अब वो बड़े पैमाने पर कारोबार कर रही हैं। डेजी को शुपयां की एम्ब्रॉयडरी लेडी का खिताब मिला है। डेजी जान अब जिला की दीगर खवातीन के लिए मशलेरा साबित हो रही है जो उनकी तरह एक कामयाब एंटरप्रेन्योर बनना चाहती हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हर एक को अपना रोजगार कमाना चाहिए और इसके लिए हुनर सीखना जरूरी है। अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि खवातीन को बाख्तियार बनने के लिए सरकारी स्कीमों से फायदा उठाना चाहिए।
मुझे तो फायदा मिलता है, अपना ये हाथों से अपना पैसा खुद कमाती हूँ, बच्चों को भी खिलाती हूँ, अपने लिए भी कुछ लाती हूँ, सब कुछ करती हूँ अपने पैसों से। और पढ़ने में नौकरी नहीं मिलता है यहाँ, यहाँ तो कुछ नहीं, यहाँ तो खाली अपने अपने घर में बैठती हूँ, क्या करेंगे अपने। मैं बोल रही हूँ आप, मैं सीखती हूँ, आप भी सीख लो मेरे से, आप भी सीख लो, ये काम करना है, ये तो बहुत अच्छा है। अच्छा, अपने हाथों से कमाएंगे, क्यों भीख मांगेगी किसी से। कश्मीर की ख्वातीन जिंदगी के हर एक शोबे में आगे बढ़कर कामयाबी की तारीखें रकम कर रही हैं। एम्ब्रॉयडरी लेडी ने ये साबित कर दिया, अगर इरादे मुसम्मम हो तो कामयाबी जरूर मिलती है। कोरोना वायरस की दूसरी कहरंगेज लहर पर काबू पाने के लिए मुल्क की दीगर रियासतों के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी दोबारा लॉकडाउन नाफिज किया गया। लॉकडाउन से गरीब और मजदूर तबका मुतासिर होता है। मरकजी हुकूमत ने लोगों को आसाइश पहुंचाने के लिए मुफ्त राशन की तकसीम कारी शुरू की है। इस स्कीम से राजौरी में खतः अफलास से नीचे जिंदगी बसर करने वाले और AAY जुमरों के तहत आने वाले अफराद को फायदा मिल रहा है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर की वजह से मुल्क की मुतादिद रियासतों के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी लॉकडाउन जारी है, जिसके सबब लोग घरों में ही मैसूर हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी और सरहदी जिला राजौरी की इंतजामिया ने मुफ्त राशन की तकसीम शुरू कर दी है। इस जिम्न में जिले में मुफ्त राशन की तकसीम शुरू होने के साथ ही लोगों ने सरकार का शुक्रिया अदा किया। मकामी लोगों ने कहा कि एक तरफ जहां कश्मीर में लॉकडाउन की वजह से लोगों को घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, लेकिन दूसरी जानिब ऑफिसरों ने अपने मातहत अमले के हमरा इस मुफ्त राशन की तकसीम कारी को घर घर पहुंचाया है, जो काबिले तारीफ है। इस कोरोना की वजह से सब लोग घरों के अंदर घरों में बैठ गए हैं और बाहर जाने से मजबूर हैं, लेकिन फिर भी आज़ाद हम इंडिया गवर्नमेंट का, हिंदुस्तान के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने जैसे अभी अनाउंसमेंट किया कि दो महीने का राशन आपको फ्री दिया जाएगा। एक महीने का राशन डीलरों ने यहाँ आके लोगों को घर घर बुलाकर उनको मतलब घर तक भी पहुँचाया है। लोगों के घरों में कैद हो जाने के सबब गरीब तबका सबसे ज्यादा परेशान है, जिनकी परेशानियों को खत्म करने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 2 माह यानी मई और जून के लिए मुफ्त राशन फी फर्द 5 किलो का ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर के दीगर अजला के साथ साथ राजौरी जिले में भी इस मुहिम का बाज़ाबिता तौर पर आगाज हुआ। मकामी लोगों ने कहा कि ऑफिसर्स और उनके मातहत अमले ने दिन रात कोशिशें जारी रखी और मुफ्त राशन के साथ साथ राशन कार्ड के जरिए दी जाने वाली राशन को भी लोगों के दरवाजे तक पहुंचाया। गवर्नमेंट इंडिया जो जिसने ये राशन दिया, अगर ये राशन इस वक्त कोरोना में ना हुआ, ये लोग फाके मर जाते, क्यों जो बाहर जाते नहीं थे, क्यों जो वो लोग जिस इलाके में मुलाजिम होते हैं, दाएं बाएं लोग काम करते हैं, किसी से पैसे मिल जाते हैं, यहाँ पर सब लोग एक ही तरह गए, मुलाजिम को है नहीं किस्ते लेंगे, वो जरा राशन मिला उससे थोड़ा इनको राहत मिली। हुकाम ने कहा कि जिले में मुफ्त राशन की तकसीम शुरू हुई है, इसकी जांच पड़ताल के बाद हर राशन स्टोर का दौरा करके लोगों से मालूमात हासिल की जाती है कि क्या वाकई में हर स्टोर कीपर लोगों तक राशन पहुंचा रहा है या नहीं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो किसी भी शिकायत के तई मुतलका हुकाम से राबिता कर सकते हैं। जब पूरे सब कुछ बंद था तो ये मेरे लेबरर, खासकर मैं जो तारीफ के काबिल है हमारे लेबरर हैं, कि इतना राशन इन्होंने जो है जो इन एडिशन टू कोटा है वो इन्होंने टाइमली वो किया, और उसके बाद बधाई के पात्र है हमारे सेलमैन और फेयर पैस जिन्होंने अपनी लाइफ्स को रिस्क करके लोगों को जो है वो राशन जो है वो पहुंचाया। तो टीम हमारी जो है मेरे पास यहाँ 500 फेयर पैस शॉप्स है, हमारी मैन एंड मशीनरी पूरी तैयार है, और सबसे अच्छी बात यह है कि वो एक यूनिफाइड डायरेक्शन जो हम उनको डायरेक्शन पास करते हैं उसको वो इम्प्लीमेंट जो है वो करते हैं। हुकूमत ने गरीब कुंबों को लॉकडाउन की वजह से पहुंचने वाले नुकसान को कम करने के लिए
मुफ्त राशन की तकसीम कारी का फैसला लिया है। जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग जिले के शंगस ब्लॉक के नौगाम गांव में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की तामीर की जा रही है। इस वाटर फिल्टर प्लांट की तामीर से चार देहात के 40 नफूस पर मुश्तमिल आबादी को पीने के साफ पानी की सप्लाई फराहम होगी। मकामी लोगों ने हुकूमत इकदाम की काफी सराहना की है। देखिए इस बारे में हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के शंगस ब्लॉक के नौगाम गाँव में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की तामीर का काम इस वक्त जारी है। नया वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से आरास्ता होगा और अनंतनाग के शंगस ब्लॉक के चार देहातों में 40,000 से ज्यादा लोगों को पीने का साफ पानी मुहैया होगा। मकामी लोगों ने कहा कि उन्हें पहले मुश्किलात का सामना था, अब उनकी मुश्किलात का इजाला होगा। हमने पहले बहुत मुसीबत थी, हमें ये गंदा पानी आ रहा था, ऊपर से इसमें कुत्ते भी होते थे, कीड़े मकोड़े होते थे, क्या होता था, हमें बीमारी का सामना भी बहुत उठाना पड़ा। जब से ये फिल्टर प्लांट बना तब से हमें राहत की सांस ली। बहुत अच्छे से काम चल रहा है, बहुत उनको शुक्रगुजार हूँ एक्शन साहब का जिसने ऐसा काम स्टार्ट किया, तो हम इसके बहुत उम्मीद है, उम्मीद हमारी अच्छी है, काम चल रहा है, अब साफ पानी हम पियेंगे। यहाँ दो मुख्तलिफ मनसूबों के तहत दो अहम मंसूबे जेर अमल हैं। 1,00,000 गैलन योमिया MGD का एक फिल्ट्रेशन प्लांट और 2,00,000 गैलन का SRA और इससे मुंसलिक ढांचे मकामी लोगों को साफ पानी देने के लिए बनाए जा रहे हैं। ये तामीर मरकजी स्पॉन्सर शुदा स्कीम के तहत की जा रही है। मकामी बाशिंदगान ने बताया कि गुज़श्ता साल दिसंबर में सर्दियों की वजह से काम ठप हो गया था, लेकिन अब हम साफ पानी पी सकते हैं। जो भी गवर्नमेंट ने यहाँ कोई काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है, अच्छी तरह से काम हो रही है। हम गवर्नमेंट के बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये काम जो हमें फिल्टर प्लांट दिया है, वहाँ पर टंकियाँ भी और बन रही हैं जिससे हमें डिस्ट्रीब्यूशन होगा पानी में। चार गाँव है हम इस पर मुश्तमिल, अंदुरा है, पुशरू है, कोटेर है, पोलो है। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जल शक्ति सब डिवीजन अनंतनाग मोहम्मद अयूब के मुताबिक इस वाटर फिल्ट्रेशन प्रोजेक्ट पर 13,33,00,000 रुपए लागत आएगी और अगले महीने में ये मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा और मकामी देहातियों को पीने का साफ पानी मिल सकेगा। इस वक्त हमारे शंगस में दो मेन प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो दो अलग अलग प्रोग्राम के तहत है। शंगस इलाका हमारा NRDWP जो प्रोग्राम है इसी में चल रहा है। ये छतपल से पानी आ रहा है और शंगस के इलाके को पानी देगा। वहाँ पर हमारे कुछ कंपोनेंट्स बन रहे हैं, एक है हमारा फिल्ट्रेशन प्लांट 1 MGD और है SRA 2,00,000 गैलन का और इसके अलाइड स्ट्रक्चर बन रहे हैं। शंगस अनंतनाग में तामीराती प्रोजेक्टों पर काम बहुत अच्छी तरह से जारी है। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट से चार देहात को फायदा होगा। जम्मू कश्मीर के दीगर अजला के साथ साथ वादी कश्मीर के गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में भी वबा से पैदा शुदा हंगामी तबी सूरत हाल से निमटने के लिए पंचायती सतह पर कोविड सेंटर कायम किए गए। यह सहूलियत वबा से मुतासर होने वाले अफराद के लिए दस्तियाब रखी गई। पेश है इस सिलसिले में हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में मुहल्लिक वबा कोरोना वायरस की दूसरी कातिल लहर को फैलने से रोकने के लिए पंचायती सतह पर कोविड आइसोलेशन या निगहदाश्त मराकज कायम किए जा रहे हैं। जहां दीही इलाकों में ये मराकज कायम किए जा रहे हैं, वहीं शहरी इलाकों में भी पंचायती सतह पर ये मराकज कायम किए जा रहे हैं। गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में भी पंचायती सतह पर कोविड-19 से पैदा शुदा बहरानी सूरतहाल से निमटने के लिए ये मराकज कायम किए गए हैं, जहां कोविड मरीजों के लिए हर सतह की तिब्बी सहूलियात दस्तियाब रखी गई है। हमने एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द LG वी हैव ऑलरेडी सेट अप 12 बेड्स इन द स्पेस। This is a isolation center in AGM's City School, Nogam. It's a private building, and we have installed 12 beds. Actually, there were directions that we have to put 10 beds. We had 2 beds extra in the vaccination center, so we have shifted those two here.
एंड वी हैव मेड द अवेलेबिलिटी ऑफ 12 बेड्स ओवर हियर। हुकूमती गाइडलाइंस और तिब्बी हंगामी मंसूबे के तहत पॉजिटिव मरीजों के लिए हर पंचायत में 5 बिस्तरों वाला कोविड केयर सेंटर बनाया जा रहा है, जिसमें कम से कम एक बेड में ऑक्सीजन की सहूलत दस्तियाब होगी। कैपेक्स बजट के तहत दस्तियाब फंड में से 1,00,000 की रकम का इस्तेमाल करके ये मराकज सरकारी इमारतों स्कूलों में कायम किए जा रहे हैं और इस सिलसिले में नजदीकी हेल्थ सेंटर और पंचायत के जिम्मेदारान से पहले मशावरत की गई है। कोई पेशेंट है जिनके घर में इतनी फैसिलिटी नहीं होती है जगह की, उनके घर में अगर कोई पॉजिटिव ये होगा तो उसको ये सेंटर हमने उन्हीं के लिए बनाए ताकि हम उनको यहाँ पे रखें, उनकी देखभाल करें। और यहाँ पे हमें हेल्थ से एक इन्होंने एक नोडल ऑफिसर भी रखा है और जो इनका वो चेक करेगा इनकी रेट्स क्या है, इनके कैसे ये इनके लाइक कंडीशन हेल्थ कंडीशंस कैसे हैं, अगर कोई सीरियस होगा तो उसको हम रेफर करेंगे श्रीनगर के किसी हॉस्पिटल में। जिला तरक्याती कमिश्नर मोहम्मद एजाज असद ने कहा कि मजकूरा आइसोलेशन मराकिस कायम करने से तिब्बी ढांचा मुस्तहकम होगा। उन्होंने कहा कि वबा के खिलाफ जंग में हर सतह पर इकदामात उठाए जा रहे हैं ताकि पहले की तरह दूसरी लहर पर भी फतह हासिल की जा सके। तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो PRIs हों, चाहे वो अर्बन लोकल बॉडी रिप्रेजेंटेटिव्स हों ज़िला श्रीनगर के, और उसके साथ साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है श्रीनगर, तमाम मिलकर सारे स्टेक होल्डर्स और सिविल सोसाइटी के मेंबर्स भी मिलकर इस कोविड के खिलाफ लड़ रहे हैं। और जिस तरीके से हमने फर्स्ट वेव में फतह हासिल की थी, उसी तरीके से जो सेकेंड वेव है इसकी अलगार से भी हम कामयाब तरीके से बाहर निकल कर आएंगे। आइसोलेशन मराकिस का नजदीकी तिब्बी मराकिस के साथ माकूल तालमेल और राबिता है और तमाम जरूरी सहूलियात की दस्तियाबी को यकीनी बनाया जा रहा है ताकि COVID-19 मरीजों के इलाज व मुआलजा और जरूरत के औकात में मरीजों को दूसरे अस्पताल मुंतकिल करने में परेशानी ना हो। वादी कश्मीर के जनूबी जिला शुपयां को जम्मू खित्ते के राजौरी और पुंछ अजला से जोड़ने वाली तारीखी मुगल शाहरा को खाना बदोश, मेडिकल इमरजेंसी और फ्रूट सब्जी फरोशों के लिए खोल दिया गया। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में मौसमी गर्मा शुरू होते ही मैदानी इलाकों से गुजर बकरवाल खाना बदोश अपने माल मवेशियों को लेकर खत्ता चनाब और दीगर इलाकों से वादी के पहाड़ों की तरफ रुख करते हैं। मौसमी तब्दीली के साथ ये सिलसिला शुरू हुआ। कोरोना लॉकडाउन की वजह से जारी गैर यकीनी सूरत हाल के पेश नज़र वादी कश्मीर के जनूबी जिला शुपयां को जम्मू खित्ते के राजौरी और पुंछ अजला से जोड़ने वाली तारीखी मुगल शाहरा को खाना बदोशों, मेडिकल इमरजेंसी और फ्रूट सब्जी फरोशों के लिए खोल दिया गया है। देखिए, आप जानते ही हैं कि सरकार ने जो मुगल रोड है, ये फ्रूट लेडन ट्रक्स और नोमैड्स जो अपने हर्ड्स के साथ जा रहे हैं उनके लिए खोल दी है। और हमने भी इसको जो इसका जो राइडिंग क्वालिटी है और इसका बाकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनका जायज़ा लिया है। तो हमने एक सिस्टम इन प्लेस कर दिया है जिसमें लोकल मैजिस्ट्रेट्स और पुलिस जो मिलके उनको एग्जीक्यूट करेंगे। तो हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि जो परमिटेड कैटेगरीज का मूवमेंट है वो स्मूथ हो जाए, उनको कोई डिफिकल्टी ना हो जाए। तारीखी मुगल रोड को श्रीनगर जम्मू शाहरा का मुतबादिल तसव्वुर किया जाता है। ताहम पीर की गली और दीगर मकामात पर भारी बर्फबारी के सबब ये शाहरा कई महीनों तक बंद रहती है। मुगल रोड पर खाना बदोश ही ज्यादा सफर करते हैं क्योंकि ये बकरवाल मौसमी मुंतकिली के साथ ही अपने मवेशियों जिनमें भेड़ बकरियां, भैंस, घोड़े वगैरह शामिल हैं के हमरा सर्दियों में मैदानी इलाकों में रिहाइश इख्तियार कर लेते हैं और मौसमी गर्मा आने तक अपने माल मवेशियों का वहां ही गुजर करते हैं। शाहरा पर सफर करने वाले खाना बदोशों को कोरोना मुखालिफ टीके भी लगाए जाते हैं ताकि वो वबा से महफूज रह सके।
मैं डिस्ट्रिक्ट कुलगाम से आया हूँ। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मुगल रोड का, इन्होंने बहुत सेवा की। यहाँ जो पछाने में आर्मी और पुलिस है हमारे, हम उनके परमिशन दे रही है। हम सब्जी श्रीनगर से पुंछ की तरह ले रहे हैं, तो हमारी अच्छी सेवा हुई है यहाँ, अच्छी ठीक ठाक। तारीखी मुगल रोड से वादी कश्मीर से मेवा, सब्जी और दीगर जरूरी चीजें पीर पंचाल खिताब पहुंचाई जाती हैं, क्योंकि ये शाहरा मसाफत के लिहाज से खलीज को कम करती है। हुकाम का कहना है कि तारीखी मुगल रोड खोलना आम लोगों को राहत पहुंचाता है। एलजी साहब का ऑर्डर हो गया कि मुगल रोड खुल जाए, उसके बाद सर बकरवाल गुजर सेफ ट्रक सर जब ये आना जाना शुरू हो गया, आमदो रफ्त शुरू हो गई है, तो सर ये आर्मी और पुलिस पार्टी जो हमारी है मिलकर ज्वाइंट यहाँ चेकिंग करते हैं, परमिशन देखते हैं, सबसे पहले एसओपीज का पालन करते हैं, उनको तलाशी करके हर चीज की तलाशी लेकर हम अपने अपनी तरफ रवाना करते हैं। तारीखी मुगल रोड पर सिक्योरिटी कड़े बंदोबस्त भी किए गए हैं, ताकि अमन अमान में खलल डालने वाले अनासिर के अजायम को नाकाम बनाया जा सके। नाजरीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आपको हमारा ये शुमारा कैसा लगा, आप अपनी राय इस बारे में हमें बदलता मंजर कश्मीर @gmail.com पर भेज सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, आइंदा शुमारा लेकर इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।